हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में जो कि नाम के बेस पे आधारित हैं जैसे ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि जो भी रिएक्शंस हैं नेम से जो हैं रिएक्शन उनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैंड मियर रिएक्शन सैंड मियर रिएक्शन जो है रिएक्शंस तो वन बाई वन आई विल टेल यू वट आर द रिएशन फर्स्ट इज सैंड मेयर रिएक्शन दिस इज द दूज फॉर मेथड ऑफ एरिल एरिलइड् फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट एंड इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड हेलोजन एसिड तो ये डाइजोनियम साल्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है नाइट्रोजन का बाई हेलाइड या साइनाइड तो हेलाइड जब होता है तो हमें मिलता है एरिल हेलाइड। एरिल हेलाइड जब डिस्प्ले हेलाइड जब डिस्प्लेस करता है तो एरिल हेलाइड मिलता है और ये रिएक्शन है एरिल दिस इज डाइजोनियम साल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये हमें देता है क्लोरो बेंजीन विच इज एरिल हेलाइट तो ये है सैंडमियर रिएक्शन तो ये आपको याद करना है ताकि आप इसे भू ना अच्छा अब गटर मैन रिएक्शन सेकेंड गटर मैन रिएक्शन ये भी प्रिपरेशन करता है एरिल एरिलइट के लिए और डाइजोनियम साल्ट से ही है बट इसमें फर्क यह है कि इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और, और हेलोजन एसिड इधर हमें कॉपर क्लोराइड लिया था सैंड मिया रिएक्शन में लेकिन गटर मैन रिएक्शन में हमें कॉपर पाउडर लेना है और बाकी सेम है रिएक्शन ये ये देखिए ये, ये डाइजोनियम साल्ट है और ये कॉपर पाउडर दिस इज कॉप पाउडर हेलोजन एसिड की प्रेजेंस में दिस विल गिव एरिलइट विच इज क्लोरो बंजीन तो बहुत द रिएक्शंस आ सेम बट ये सैणम्य रिएक्शन होता है कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में और गटाम रिएक्शन होता है कॉपर पाउडर की रिएक्शन में अब हमारा तीसरा रिएक्शन है दैट इज गैब्रियल सिंथेसिस तो गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स विद थैली माइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड तो यह थे हमारा दिस इज थैलीमाइड एंड इन द प्रजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वी गेट पोटासियम साल्ट ऑफ थैली प्रेजेंस में ये हमें मिलेगा एल्किल थैलीमाइड यह एल्किल थैलीमाइड है फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा ये दिस इज साल्ट थेलीट साल्ट एंड दिस इज प्राइमरी एमीन प्राइमरी एमीन इज प्रिपेड सो दिस इज गैब्रियल सिंथेसिस नाउ द फोर्थ रिएक्शन इज हॉफमैन रिएक्शन तो हॉफ मैन रिएक्शन का है दिस इज हो दिस इज ऑल्सो हो प्रिपेरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन विद द हेल्प ऑफ बोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था गैब्रियल सिंथेसिस में लेकिन हॉफमैन रिएक्शन में हम ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं इसका पूरा नाम है हॉफमैन मैन डिग्रेडेशन रिएक्शन तो इसमें ये देखिए ये एमाइड है दिस एमाइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट दिस आर एन एच टू प्राइमरी एमीन ओके तो दिस इज द रिएक्शन हॉफमैन रिएक्शन एंड वी गेट दोडक्ट एन ए टू सी एन ए बी आर एंड सो दिसक्शन तो इन सब रिएक्शन को आपको याद रखना है और रट लेना है एक बार ताकि आप एग्जाम्स में बोलेना इन रिएक्शन के बारे में कुछ भी पूछ सकता है रिएक्टेंट्स इनके किसकी प्रेजेंस में और किस क्या प्रोडक्ट है तो इस किसी भी तरह से ये पूछा जा सकते हैं सवाल और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिफ्थ रिएक्शन इज बाल सीमेन रिएक्शन दैट इज एरिल फ्लोराइड प्रिपेयर विद एरिल एमीन ये है एरिल एमीन इसको जो है एच एन ओ टू और एच बी एफ फोर एसिड ब्रोमोफ्लोराइड एसिड और बोमोफ्लोरिक एसिड और इससे जब रिएक्ट कराते हैं तो वी गेट दिस साल्ट और इसको हीट देने के बाद वी गेट एरिल फ्लोराइड तो एरिल एदिल हमने बनाया एरिल फ्लोराइड एरिल में ये जानते हैं एदोमेटिक रिंग है ये हमने ए आर लिख दिया उसकी जगह तो ये एरिल फ्लोराइड बन गया और नाइट्रोजन और बी एफ थ्री तो दिस इज कॉल्ड बाल्ज सीमेंट रिएक्शन अब सिक्स रिएक्शन है फिंकैल्टीन रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं जो मैंने मैंने इसमें वीडियो में लिए हैं और आपको ये सब याद करना है ताकि पेपर में ये आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएं तो ये है फिंकेलस्टिन रिएक्शन सिक्स रिएक्शन एल्किल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड विद एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड तो ये जो है एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड है एक्स इजिकल टू सी एल या फिर ब्रोमीन तो इसमें हम अगर सोडियम आयोडाइड से दिस इज सोडियम आयोडाइड इससे रिएक्शन में ये हमें मिलता है एल्किल आयोडाइड तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिल रिएक्शन नाउ द रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन इज स्व रिएक्शन तो इसमें भी है जब एल्किल क्लोराइड जो है विच दैट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड देन वी गेट एल्किल फ्लोराइड तो ये एल्किलोराइड एलोजन एंड इन दस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड वी गेट एल्किल फ्लोराइड दिस इज एल्किल फ्लोराइड तो दिस रिएक्शन इज इसमें जो है सी एल या बी आर क्लोरिन या बोमिन कोई भी हो सकता है तो ये दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन अब नेक्स्ट रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन में एल्किल हेलाइट जो है उसको सोडियम और ड्राई इथर के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो कार्बन एटम डबल हो जाते हैं जैसे हमने इधर मिथेन है मिथेन को हमने सोडियम और ड्राई इथर की प्रेजेंस में जब किया तो हमें मिल गया इथेन इसमें कार्बन का एक एटम है और इसमें दो एटम है तो कार्बन के का एटम डबल हो गए ऐसे ही इसमें हमें आ, मिथेन था ये बोमो मिथेन बोमो इथेन दिस इज बोमो इथेन और हम देन वी गेट बाय दिस बर्ड्स रिएक्शन वी गेट डबल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स एंड वी गेट ब्यूटेन ओके सो दिस इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज वर्ड्स फिटिक रिएक्शन वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में क्या है एल्किल हेलाइड और एरिल एरिलइड जब मिलके ड्राई ईथर और सोडियम में एल्किल एरिन बनाते हैं ये ये है एल्किल हेलाइड ये हेलाइड और यह हेलाइड एंड वी गेट एल्किल तो दिस इज द रिएक्शन कार्ड वर्ड्स फिटिग रिएक्शन और इसमें यह सोडियम और ड्राई इथर सोडियम और ड्राई इथर यह होना है अब है ओनली फिटिक रिएक्शन फिटिक रिएक्शन इज एर हेलाइट विद सोडियम इन ड्राई ड्राईर टू गिव वेयर टू एरिल ग्रुप्स आर ज्वाइन टूगेदर इसमें ये देखिए दो एटम्स हैं इसके एरिल एरिल एरिलइड के और सोडियम के साथ जब करते हैं इथर की प्रेजेंस में तो दो एरिल ग्रुप्स जो हैं दे कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड दिस इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन रिएक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड ये रिएक्शन के बारे में मैं बता दू एल्किल बेंजीन इज प्रिपेयर्ड एल्किल बेंजीन दिस इज एल्किल बेंजीन बाई बेंजीन एंड एल्किल है दिस इज बजीन दिस इज एल्किल हेलाइड क्लोरोमिथेन है ये क्लोरोमीथेन एल्किल हैलाइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस AlCl3 दिस इज अ लुईस एसिड तो इसकी इसकी प्रेजेंस में वी गेट एल्किल बेंजीन बेंजाइल क्लो ये मिथाइल बेंजीन ये एल्किल बेंजीन वी गेट एंड HCl सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन. और दूसरा रिएक्शन है फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ये इसमें कंफ्यूजन मत होना इनको जो है अच्छी तरह याद कर लेना कि कौन सा क्यों रिएक्शन किस तरह का है एक में है फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एक है एल क्राफ्ट एसाइलेशन तो एसाइलेशन में जो है बेंजीन है और एसाइल हेलाइड है और इसमें ल्यूस एसिड की प्रेजेंस में दे गेव एसाइल बेंजीन तो ये है ये बेंजीन है हमारी दिस इज एसाइल क्लोराइड इसकी प्रेजेंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में दिस गेव एसिटोफिनोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एसाइलेशन इज फ्रॉम दिस एसाइलेशन तो एसाइल हेलाइड है इसमें ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट कम्स इन आलमोस्ट इन एवरी एग्जाम तो इस एग्जाम इसमें क्या है फिनोल और क्लोरोफॉम को इन उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो सी एच ओ एट आर्थो पोजिशन में आ जाता है और सेलिसाइल एल डी हाइड तैयार होता है तो ये है, ये है एल्कोहल फिनोल है दिस इज फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉम एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट दिस साल्ट

इसको रोजनमंड कैटलिस्ट भी बोलते हैं तो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड दिस इज तो बेंजाइल क्लोराइड जो है इवेन हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेलीडियम एंड बेरियम सल्फेट विच आर कॉल्ड रोजनमंड रोजनमंडलिस्ट दे गिवेंजलहाइड वेयर एल्डीहाइड इज एट ऑथोपोजिशन दिस इज ऑथोपोजिशन सो दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिएक्शन नाउ वी कम टू नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन तो दिस इज रिडक्शन रिएक्शन वे कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन वैन रिएक्टेड विद जिंक एमलगम, ये दिस इज जिंक एमलगम, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मर्क्री एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज रिड्यूज टू सी एच टू ग्रुप दिस इज द रिएक्शन सी एच टू ग्रुप में रिड्यूज हो गया दिस इज कॉल्ड क्लिमें रिडक्शन रिएक्शन एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनी जादो रिएक्शन कैनी जादो रिएक्शन में दिस इज द रिएक्टेंट वेन टू एटम्स ऑफ दिस रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड के ओ एच तो दिस इज एच सी एच ओ प्लस एच सी एच ओ कंसनट्रेटेड पोटासम हाइड्रोक्साइड दैन वी गेट मिथेनोल दिस इज मिथेनॉल एंड पोटाशियम फॉर्मेट तो दिस इज कार्ड कैन ई जारो रिएक्शन अब हम अगला अगला रिएक्शन करेंगे दैट इज एल्डोल कंडन एल्डोल कंडन इज यू नो इड और किटोन्स विद एल्फा हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं जो किल्फा कार्बन आइटम के साथ जो हाइड्रोजन आइटम अटैच होते हैं उनको एल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं और एल्फा कार्बन आइटम क्या होते हैं द कार्बन एटम टू बिच दंक्शनल ग्रुप ग्रुप इज अटैच तो वो होता है एल्फा और जो उसके साथ वाला होता है वो बीटा के लाता है तो इस तरह से जो है इसमें अगर एलडीहाइड और कीटोन जिनमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है जैसे कि ये है वेन दे so, आर ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटेड वी गेट ब्यूट टू इनल इनल और टू मिथाइल पेंट टू इनल तो दिस इज द रिएक्शन और इसमें क्या है एल्डोल और कीटोल जो है दे लूज वाटर to form alpha beta unsaturated carbonyl compounds. और को एल्डोल क्या है को एल्डोल जो होते हैं एल्डीहाइड और कीटोन का साथ साथ रिएक्शन होता है जिसमें दोनों में हाइड्रोजन अल्फाहाइड्रोजन हाइड्रोजन होते हैं अवेलेबल और ये दे लूज वाटर इन दिस रिएक्शन आफ्टर लूजिंग वाटर दे फॉर्म फोर प्रोडक्ट्स ओके एंड देर प्रोडक्ट्स आर एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल compounds. So this reaction is called aldol condensation. So these were the reactions. So I will say ki please subscribe to my channel and if you have liked this video then please like and share the video. Thank you for watching the video.